ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस की लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब मंदोदरी और दशानन रावण के बीच में जो वार्तालाप और इसके साथ साथ मंदोदरी जिस प्रकार हित वचन बता रहे हैं, अब देखेंगे संत गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में। नाथ दीन दयाल रघुराई, भागव सन्मुख गयन काई, चाहिव करन सो सब कर बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते, संत कहा है अस नीति दसानन, चौतों पन जाई नृप कानन, तासु भजन की जीव तह बर्ता, जो करता पालक समहर्ता, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, बजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिबर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजू तजि होइहि बिरागी, सोई कोसलादीस रघुराया, आयव करन तोहि परदाया, जापी मानुहु मोर सिकावन, सुजस होई तिहुपुर अति पावन, अस कहि नयन नीर बरि गहि पद कंपत गात, नात बजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। देखिए यहाँ पहले ही यह मंदोदरी दशानन को बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नाथ दीन दयाल रघुराई, भागव सनमुख गयन काय, चाहिव कर्ण सो सब कर बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर दीते। हे रघुनाथ, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दोनों पर दया करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी सब पर दया देखते हैं। कैसे? सम्मुख अर्थात शरण जाने पर तो भाग भी नहीं करता है, ऐसे माना जाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके हैं, लेकिन अब आपका तो समय हो गया है। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया, आप और क्या चाहिए आपको। संत कहा है असी नीति दशानन, चौथे पन जाई ही नृपकान, तासु भजन की जीव तह बत्ता, जो करता पालक समहर्ता। हे दशानन जी, रावण जी, संत जन ऐसी नीति कहते हैं जैसे जीवन के चौथेपन अर्थात बूढ़ेपन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए, जो सृष्टि के रचना वाले इस सृष्टि के सृष्टि स्थिति लायक कारक मतलब इस सृष्टि के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिबर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजू तजि होइ हि बिरागी। हे नाथ, हे दशानन जी, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि वो ऐसे साधारण नहीं हैं जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पाने के लिए क्या नहीं करते हैं। सोई कोसलादीस रघुराया, आयव करन तो ही परदाया, जा पी मानहु मोर सिकावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। व
वही कौशलाधीश, कौशल के राजा श्री रामचंद्र जी आप पर दया करने आए हैं। देखिए, उनको पाने के लिए युगों युगों तक तपस्या करते हैं, लेकिन वो खुद आपके पास आए हैं। हे प्रीतम, यदि अगर आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। कैसे? अस कही नयन नीर भर गही पद कंपित गात, नात बजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर, क्योंकि उनको जो भी, क्योंकि पति तो है ही, वो भी साधारण नहीं है, रावण है, रावण ब्रह्मा कहते हैं, और नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, हे दशानन, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाएगा, मतलब हमेशा हमेशा के लिए मैं सुहागिन रहूंगी। देखिए, अब इस पद की व्याख्या संक्षेप में बताना चाहता हूँ। और मंदोदरी बता रहे हैं कि हे नाथ, हे दशानन, श्री रामचंद्र जी तो दीन दयालु है, करुणा निधि है, कृपा सिंधु है, करुणा सागर है। वास्तव में बाघ भी शरण होने के, अर्थात शरण की मुद्रा से लंबा पड़ जाने से छोड़ते हैं, ऊपर नहीं खाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब तो आप कर ही चुके, मतलब सारे पाप कर तो हो गए हैं। आपने देवताओं को, राक्षसों को तथा चर अचर सभी को जीत लिया, आपने किसको नहीं जीता है। हे दशानन, आम तौर पर संत लोग ऐसी नीति कहा करते हैं कि जीवन के चौथेपन अर्थात अंतिम, इसी को वानप्रस्थ आश्रम भी कहते हैं, बुढ़ापे में राजा को क्या करना चाहिए, राज्य छोड़कर अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां जाकर आप उनका अर्थात भगवान श्रीमन नारायण का भजन कीजिए जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले सर्वम सहा चक्रवर्ती श्रीमन नारायण का भजन कीजिए। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, बजह नाथ ममता सब त्यागी, मुनिबर जतन करहि जे ही लागी, भूप राजू तजी हो ही बिरागी। हे नाथ, अब सब ममत्व तो छोड़ दीजिए, शरणागत पर प्रेम करने वाले वही रघुवीर का भजन आराधना कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि भी यत्न करते हैं। और राजा तो अनेक राजा लोग अपने संपूर्ण राज्य को त्याग करके वैरागी बन के प्रभु को पाने के लिए जाते हैं, ऐसे प्रभु को, मतलब सोई कौशलाधीश रघुराया, आयव करण तो ही परताया। वही कौशलपति प्रभु श्री रामचंद्र जी आप पर दया करने के लिए पधारे, खुद प्रभु यहाँ आपके पास आ गए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरा कहा मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और उज्ज्वल यश इस संपूर्ण तीनों लोकों में यश हमेशा हमेशा के लिए फैल जाएगा। और अंत में वो कहना चाहते हैं कि अस कही नयन नीर भर गही पद कंपित गात, नाथ बजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भर कर, देखिए अत्यंत करुणा मूर्ति, क्योंकि मंदोदरी को मालूम है आगे क्या होने वाला है, प्रभु आए तो अब रावण को तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, कम से कम अंत में और एक बार वो इतनी कोशिश किया है कि अब करुणापूर्ण, मतलब रोते हुए पांव पकड़कर वो ऐसे अत्यंत अनुनयतापूर्वक, मतलब अनुनय अनुरोध विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया है कि पति के पांव पकड़कर कंपित शरीर से मंदोदरी ने अंत में और एक बार कहा कि हे नाथ,
प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन पूजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अखंड हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।